शादी के बाद महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना सिमरिया अंतर्गत ग्राम झलवार का है, जहां पीड़ित महिला जो कि आशा कार्यकर्ता है, उसने 4 महीने पहले रीवा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 1 वर्ष से पीड़ित के पति, जेठ और देवर तीनों लोगों के द्वारा मिलकर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पीड़ित को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित महिला करीब 6 महीने से अपने पति से अलग किराए के मकान में रह रही है। वहां भी आरोपियों द्वारा आकर धमकी दी जाती है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं इस मामले को लेकर महिला थाना प्रभारी ने क्या जानकारी दी है। थाना सिमरिया अंतर्गत झलवार ग्राम की महिला है, जिसकी शादी 2002 में हुई थी। ये आशा कार्यकर्ता के पद पे काम करती है अपने ही गांव में। अभी पिछले 1 वर्ष से इसका पति और इसके घर के सदस्य, देवर और जेठ लोग मिलकर सभी तीनों लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। किसी हर बात पे इसको नौकरी छोड़ने की धमकी देते हैं कि नौकरी छोड़ दो। और ये करीब 6 महीने से अपने पति से अलग रह के किराए का कमरा लेकर रह रही है। वहाँ भी ये लोग जाकर उसको आए दिन धमकाते हैं और अनावश्यक प्रताड़ित करते हैं, जिसकी रिपोर्ट महिला ने 4 महीने पहले महिला थाने में की थी, जिस पर हमने दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग भी कराई थी। उसके बावजूद भी ये लोग उसको ठीक से रखने को तैयार नहीं है, अलग से रह रही है, वहाँ भी जाकर परेशान करते हैं, जिससे हमने प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। 498A सेक्शन।